हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए ब्लॉग में सबका स्वागत है और हम लोग जा रहे हैं पिंकी दीदी के यहाँ पर नेपा नगर। तो बस उसी की तैयारी चल रही है, तो इच्छापुर देवी के दर्शन आपको मैं करवाऊँगा। और हमारे ही शहर के पास एक और बढ़िया शहर है बुरहानपुर, जहाँ पर इच्छा देवी का मंदिर है। तो बाकायदा वहाँ पर ये ब्लॉग जो है वो पूरा उसी के लिए डेडिकेट रहेगा। तैयारियाँ चल रही हैं, बस पैकिंग हो गई, अब निकल रहे हैं। तो पापा नहीं जा रहे हैं, पापा यहीं पर हैं। ठीक है पापा, आते हैं हम लोग। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। हाँ डलवा देंगे, थोड़ा ख्याल रखना फिर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ अपना ख्याल रखना। ठीक है, आते हैं। शिजू चलें काशी काशी काशी। आखिरी में कोई चीज़ याद कर लो, कुछ छूटा तो नहीं है। खुशबू भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे मारो। अरे यार चलिए भाई निकल रहे हैं अब हम लोग। क्या अभी अभी सफर हमारा शुरू ही हुआ था और हमको भूख लग गई है जोर से नाश्ते के लिए। भूख ही लगा आती है, तू तो खा रहा फिर। तो अब थोड़ा सा भैया पेट पूजा के लिए कुछ लेने गए हैं, तो अब देखते हैं भैया क्या लेकर आते हैं। दाबेली का तो बोला है। देखो अब सफर करने चालू किया था, इनको भूख लगने लगी, तो तू क्यों खा रहा फिर? आई मैं कहूं यही हूं। हां भैया क्या लेने गए थे आप? दाबेली। इतनी क्या भूख लग रही है आपको जोर से? हमारी बहन और हमारी पत्नी हमें नहीं नाम करती है। जी नहीं, ये भाई, ये भैया ने जबरदस्ती गाड़ी रोक ली है। नहीं असल में ये बात नहीं कि उनको खुद को भूख लगी थी, पर वो ऐसा स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। स्पष्ट नहीं बोल रहे, असल में भूख लग रही थी, वो हमसे बुलवाना चाह रहे थे ताकि हम चौपाटी देख के बात करें। मम्मी जी मिलने आए हैं, हाँ मम्मी क्या हो रहा है? मम्मी जा रही बड़ी चोरी के घर। हाँ मम्मी, मम्मी देखो मम्मी 2 किलो वजन बढ़ गया मम्मी का। ये देखो हाथ चाटे जा रहे हैं, इधर सही पकड़े हैं। मम्मी देखो कैसा लग रहा चिंटू जी, एक नंबर। तो अब जो है पेट्रोल डलवाना है, इसलिए थोड़ी देर पेट्रोल पंप पे रुकेगी गाड़ी। लीजिए भैया, थैंक यू। तो अब निकलते हैं हम लोग अपने सफर पे। मम्मी का फेवरेट सॉन्ग। मम्मी का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है ये। खड़ी हो, खड़ी हो। एक समय में मम्मी बहुत अच्छा गाती थी गाना। तुम्हारे सुर मत लगाओ तुम उसमें। तो ये भाई डोलार फाटा हमारा, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोगों को अपडेट कर दिया मैंने। डोलार फाटा बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा, कार्य प्रगति पर चल रहा है हाईवे का काम। और पहले यहाँ से सीधा एकदम सिर्फ चौराहा था, अभी जो है इसमें देख सकते हो कि क्या हेवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मिठाई लेने गए हैं। दिल्ली कैसे यहाँ का? मेरी होटल से मलाई बर्फी जो होती है वो बहुत फेमस है यहाँ की, तो वो लेने गए हैं। अच्छा। ये है बोरगांव का विशेष चिप्स और मलाई बर्फी। चले भाई। हाँ चलो। तो भाई नेपा नगर आ गए हैं हम लोग, अब भी बस एंट्री ली है हमने और बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं पिंकी जीजी के घर।
बेटा? तो ये है नेपानगर, छोटा सा शहर, भारत की पहली पेपर मिल यहाँ पर बनी थी नेपानगर में, और एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल यहीं पर है ऐसा बोलते हैं, नेपा पेपर मिल के नाम से ये शहर जाना जाता है। भाई थोड़ा सा जीके भी आपका बढ़ा दिया मैंने, सिस्टर से मिलने की एक्साइटमेंट है इसको। एक्साइटमेंट बोल, उत्सुकता, उत्साहित हूँ, उत्साहित हूँ। हाँ उत्सुकता बोल, मैं खुश हूँ। बताओ ना, गई आ गई। अब चिंटू चाकू को दिखा, चाकू को क्या हो गया? ओह ये सामान कहाँ है? ओह चारों है ये। पापा जी क्या हालचाल हैं? बढ़िया बढ़िया। मम्मी जी बढ़िया। काकी जी भी यहीं पर हैं, और चिंटू भैया भी यहीं है, गुड़िया, अरे गुड़िया जी भी यहीं पर है, क्या बात है। अरे आसर तो देखेंगे फिर। अरे वाह, सब बराबर की मिल गए। माशा क्या हालचाल है पिंकी जी? अरे मेरी चारू बिटिया, मेरी प्यारी भांजी, इधर हाय कर दो सबको, हाय करो, हाय। वाह यार सारे बच्चे हैं ना, कैमरा फ्रेंडली हो गए। चारू हाय कर दो सबको, हाय हाय। तो भाई हम लोगों का तो खाना हो गया है, अब जो है खुशबू और महिला मंडली खाना खा रही है, बजट बिगाड़ रही है महिला मंडली। तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए, चिंटू भाई हम लोग सभी, चकोर भी जा रही है। हाँ गाइस चलो, तो भाई बच्चा पार्टी को लेकर के जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो पीछे जिया जी बैठे हुए हैं, ये शीजा बैठी हुई है, अथर्व बैठा है, उधर चारू बैठी है, चिंटू भैया बैठे हैं, और इधर चकोर है, क्या बात है। तो चलिए भैया घूम के आते हैं, पहले बच्चों को घुमा के लेके आएंगे, और बड़ा मजा आ रहा है। तो खाना खा के अब सबके सब बैठे हुए हैं और गपशप चल रही है। जिया जी कितने साल बाद? 10 साल बाद आए मैं, 10 साल पहली बार रात रुका हूँ 10 साल में, और ऐसा नहीं कि इसलिए, बस कभी संयोग नहीं बना इस वजह से। और चिंटू भैया क्या हाल चाल है? कहीं नहीं मिले चिंटू भैया से हाल चाल पूछ लो। भाई घूमने के लिए निकले हैं ठंड में, सब ने खाना खा लिया है, और सबके सब जो है वो घूमने के लिए निकले हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे नेपा मिल का मेन डोर, अंदर तो जा नहीं सकते इसीलिए बताएंगे कि एशिया की सबसे बड़ी जो पेपर मिल है वो कैसी दिखती है बाहर से। तो भाई दूर से इस तरीके से दिखती है एंट्रेंस नेपा मिल की, और एंट्रेंस तो वाकई में बड़ा धासु है। तो भाई देखो ये है नेपा मिल का मेन एंट्रेंस, और यहाँ से जो है वो शुरुआत होती है इस बढ़िया सी फैक्ट्री की, यहाँ पर पेपर बनता है। पहले तो बहुत शानदार पेपर बनते थे, अभी जो है वो यहाँ पर पेपर बनता है जो अखबारों का पेपर होता है वो ग्रेड का पेपर बनता है। तो बहुत शानदार है पूरा जो है, पूरा नेपा मिल के नाम से ये नेपा नगर शहर बसा है भाई। तो सब इंजॉय कर रहे हैं, तुमको तो सही में कोई फिल्म ले लेगा। तो भाई देखो ये है बच्चों की पूरी पूरी टीम, और ये देखो मस्ती कर रही है सबके सब, आराम से आराम से आराम से, इतनी ज्यादा उत्साहित मस्ती नहीं करना है। शिजू ऐसा क्या? अरे बाप रे। ओके तो भाई आज के व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और शेयर तो सभी करना। उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। इधर गुड नाइट, इधर राज जी को गुड नाइट कह दो, यूनिवर्सल। चलिए गुड नाइट सभी।